भारत के सनातनियों के खिलाफ ये सुनियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र है। सख्त से सख्त कानून बनाकर उन दोषियों को फांसी की सजा देवे। तिरुपति मंदिर प्रसादम विवाद पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इसे सनातनियों के खिलाफ एक षड्यंत्र करार दिया और कहा कि भारत के सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने की पूर्ण रूप से तैयारी की गई है। धीरेन्द्र शास्त्री ने आंध्र प्रदेश सरकार से सख्त कानून बनाने और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी के प्रसाद में चर्बी के घी का लड्डू का प्रसाद वितरण किया गया था। अगर यह जानकारी सत्य है तो यह बहुत बड़ा अपराध है। निश्चित रूप से भारत के सनातनियों के खिलाफ सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र किया गया है। इस प्रकार का कृत्य करके भारत के सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने की पूर्ण रूप से तैयारी की गई है। भारत में कोई दूसरा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। आगे उन्होंने कहा कि हम तो चाहेंगे कि वहाँ की सरकार सख्त से सख्त कानून बनाकर दोषियों को फांसी की सजा दे। अगर भगवान के प्रसाद में चर्बी का प्रयोग किया गया या मछली के तेल का प्रयोग किया गया है तो इससे बड़ा वर्तमान में भारत में कोई दूसरा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। बारीकी से सभी सनातनी जांच करवाएं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा कि इस मामले की बारीकी से जांच होनी चाहिए और मैं सरकार से कहूंगा कि शीघ्र से शीघ्र हिंदुओं के मंदिरों को बोर्ड हिंदू के अधीन कर दे ताकि किसी भी सनातनी की आस्था को ठेस ना पहुंचे। यह सुनकर कि मेरा मन बहुत दुखी है। मैं चाहूंगा कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहां पर बारीकी से सभी सनातनी जांच करवाएं। इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो इसके लिए सभी एकजुट होकर तैयार रहें और अब मंदिरों को सनातनियों के ही अधीन कर देना चाहिए वरना इससे ऐसी स्थितियां निर्मित होती रहेंगी। जानवरों की चर्बी मिलाने की पुष्टि हुई थी। बता दें कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी मिलाने की पुष्टि हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB की रिपोर्ट के मुताबिक तिरुपति मंदिर में लड्डुओं का प्रसाद तैयार किया जाता है, उसमें जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिला है। ये सब कुछ उस घी में मिला है जिससे लड्डू तैयार किया जाता है। बागेश्वर बालाजी महाराज की तभी अभी हमको जानकारी लगी है, दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी के प्रसाद में चर्बी के घी का लड्डुओं का प्रसाद वितरण किया गया था या प्रसाद लगाया गया। अगर ये जानकारी सत्य है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। निश्चित रूप से भारत के सनातनियों के खिलाफ ये सुनियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र है और इस प्रकार का कृत्य करके भारत के सनातनियों को धर्म भ्रष्ट करने के सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने का पूर्ण रूप से तैयारी की गई है। हम तो चाहेंगे कि वहां की सरकार सख्त से सख्त कानून बनाकर उन दोषियों को फांसी की सजा देवे। अगर भगवान के प्रसाद में चर्बी का प्रयोग किया गया या मछली के तेल का प्रयोग किया गया, इससे बड़ा वर्तमान में भारत में कोई दूसरा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इसकी बारीकी से जांच हो। हम तो सरकार से भी कहेंगे शीघ्र अति शीघ्र अब सरकार को हिंदुओं के मंदिर हिंदू बोर्ड के अधीन कर देना चाहिए ताकि किसी भी सनातनी की आस्था को ठेस ना पहुंचे। हमें सुनकर के बहुत मन हमारा दुखी हो रहा है और हम चाहेंगे यत्र तत्र जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहां पर बारीकी से सभी सनातनी जांच करें करवावे। दोबारा इस प्रकार की यह घटना पुनः ना हो इसके लिए सभी हिंदू एकजुट होकर के तैयार है और मंदिरों को अब जो है सनातनियों के मंदिरों के ही अधीन कर देना चाहिए वरना ऐसी स्थितियां निर्मित होती ही रहेंगी।